क्या करना है आपका इंटरव्यू? अरे जल्दी थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। कुछ कहेंगे सर? वेदा कुंभा थिएटर हाँ वेदा वेदा संपत मेरे दोस्त हैं, संपत का पूरा परिवार मेरा दोस्त है। संपत के यहाँ पर कितनी बार इनका स्पेस माल किया है रिहर्सल के लिए, इतना सुविधाजनक स्पेस देते हैं, इतना बढ़िया व्यवहार है इनका कि आज जब ये जो है नाटक घर खुला, ये प्रेक्षागृह खुला, तो मेरा फ़र्ज बनता था यहाँ पर आना, इसको इनॉग्रेट करना। हमें कल परसों यहाँ पर रिहर्सल की है, बहुत ही उम्दा स्पेस है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे रिहर्सल्स और बहुत सारे प्लेस के शोज हैं इनकलाब से। थिएटर आर्टिस्ट को और, क्योंकि आप थिएटर से आते हैं, थिएटर आर्टिस्ट को और ढेरों सारा मौका मिले, इसलिए आप चाहते हैं कि बहुत सारा इस तरह किया जाए? हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल होना चाहिए ना, ऐसे प्रेक्षागृह और होने चाहिए, ऐसे प्रेक्षा और होने चाहिए, और जहाँ पर होते हैं हमको जो है उसमें उत्साहवर्धन करना चाहिए, हमको उत्साह बढ़ाना चाहिए थिएटर आर्टिस्ट का, थिएटर डायरेक्टर्स का, थिएटर प्रोड्यूसर्स का, इसी की थिएटर और पनपे और ग्रो करे। और मेरे मुझे पूरी उम्मीद है कि वेदा इसके संपत्ति के इस प्रयत्न से वेदा कुंभा थिएटर जो है आपके अभी और ग्रो करे, और ग्रो करे। 2023 की बात करें तो बहुत ऐसे बॉक्स ऑफिस फिल्में आई हैं, बट इस साल के लास्ट में डंके और सनारे के दिन प्रेस होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है? भाई मेरी इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं इतना जानता नहीं फिल्म के बारे में, सिनेमा का बंदा हूँ नहीं मैं, ना प्रोड्यूस करता हूँ डायरेक्ट करता हूँ, तो आई एम नॉट अमी। अरे सर आइए आइए, थोड़ा सा आ जाइए सर। क्या कुछ करना चाहेंगे? नहीं थिएटर है, बड़ी खुशी की बात है, और क्या कहें, बहुत खुशी की बात। सर यही बात हो रही थी कि थिएटर आर्टिस्ट जो है आए और आए हमारे इंडस्ट्री में और आए, इसके लिए क्या कुछ पहल होनी चाहिए कि वो नीचे के और आए और हमें जो अंदर की कला को एकदम निखार के बाहर? ऑडियंस की भी जिम्मेदारी है, जो अच्छे ड्रामा बनते हैं उसको सर आंखों पे ले, ऑडियंस की भी जिम्मेदारी है, आर्टिस्ट तो अपना काम करेंगे ही। सही है ना? ठीक है ना, चलो थैंक यू वेरी मच। आप 5 मिनट
हमारे पास पृथ्वी थिएटर है जो कि आप उसका जिन्होंने अनुभव लिया है जिस कारण आज हम रंगकर्मी बने हैं, तो वेद कुंभा थिएटर भी एक ऐसा थिएटर होगा जो अब जो नई जनरेशन आई है वो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके, और जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं परंतु स्पेस नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे, तो एक और स्पेस होना ज़रूरी है, और यहाँ पर 200 से ज़्यादा कैपेसिटी है, और इस थिएटर में जितना इंटीमेट थिएटर कहा जाता है उतना प्रोसीनियम भी है, मतलब आप पास भी हो और थोड़ी दूर भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही ज़रूरी अहम, जब तक थिएटर स्पेस ना हो तब तक रंगकर्मी नहीं, तब तक नाटककार नहीं, तब तक निर्देशक नहीं, कोई नहीं, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लग रहा है कि एक नई थिएटर मूवमेंट शुरू हो जाएगी इससे। सर थिएटर की बात करें या न्यू जनरेशन की बात करें तो उनका कैसे ये मार्केटिंग है कि वो थिएटर से जुड़े, क्या प्लान है? थिएटर की मज़ेदार बात ये है कि बस एक बार शो हो जाए लोग आ जाते हैं, देखो ये बिना कुछ खर्चे के आए हैं लोग थिएटर, आप कहीं परफॉर्म कीजिए बेल सुनाई देगी लोग पहुंच जाएंगे, और आज का ज़माना है सोशल मीडिया का, वो तो जल्दी पहुंच जाए, इट विल कैच लाइक फायर। सोशल मीडिया पर इन दिनों किसी का चेहरा किसी की फोटो ये बहुत देख हम देख रहे हैं, अब जो नाटक में हम हाईवदन करते थे किसी का अब लोग करने लगे हैं, वही है उसका गलत इस्तेमाल हो, सही इस्तेमाल हो तो अच्छा है। क्रिसमस न्यू ईयर की क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? कोई मेरे लिए कोई ऐसा नहीं, नाटक बस कोई मेरी प्लानिंग है, उत्सव मेरा रंग करनी है। 2024 आने वाला है, तो 2024 में आपका क्या प्लान है? मेरा एक फेस्टिवल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं नाटक का, वो वहाँ होगा पृथ्वी में और एक यहाँ भी होगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। मेरा नीचे रहता भाई, मैं देखो मैं नीचे रखता हूँ, अरे तो बहुत परेशान थोड़ा सा आगे आ जाइए माइक नीचे, अरे बाप ठीक नहीं मेरा तो इतना वेदा कुंभा थिएटर कुछ कहेंगे इस मौके पर, हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं यार। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत ही सही जगह पे खुला है, मतलब हम सबको जब भी कभी थिएटर के लिए जाना पड़ता था तो यहाँ पे बड़ा अकाल है, या तो पृथ्वी जाओ तो ट्रैफिक मिलता है बहुत सारा, या फिर NNP वगैरह उस तरफ जाओ तो बहुत वो मिलता है, लेकिन ये इतना पास है, और जितने भी एक्टर्स हैं ज़्यादातर मतलब 75 एक्टर्स इस एरिए में रहते हैं या इस एरिए से उनका आना जाना है, तो ये जो जगह है ये बहुत ईजी भी है, क्योंकि जो दिल्ली में कई बार क्या होता है कि दिल्ली वगैरह में वहाँ भी दूर है लेकिन एक पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये मुंबई बड़ा मशहूर शहर है, तो उसके हिसाब से एक आपके एरिया में इतना प्यारा थिएटर बन जाए तो मतलब अमेजिंग, मतलब मैं यहाँ बार बार रोज़ आ सकता हूँ, इतना प्यारा है। सो आप चाहते हैं कि ढेरों सारे थिएटर आर्टिस्ट आएँ, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट की बहुत ही कमी है मुंबई में? हाँ नहीं, आर्टिस्ट बहुत हैं, बट ये एक नया सेंटर खुला है, एक नई सोच खुली है, एक नया पॉइंट खुला है ना, कि एक पॉइंट है कि भाई ये इस जगह पे इतने करीब हमारे, मतलब चार बंगला और पूरा आराम नगर वर्सोवा इधर इस एरिए के पूरा बहुत ही करीब है, तो अच्छा है। क्रिसमस पर क्या प्लानिंग कर रहा है? क्रिसमस पर कुछ नहीं यार, यही या कोई नाटक होगा तो देखूंगा। न्यू ईयर? न्यू ईयर वैसा कुछ प्लान नहीं है, हर दिन ही खास होता है।
तो देखते हैं सबकी खुशियों में शामिल हो जाता हूँ। क्या कुछ धमाका करने वाले हैं नए साल में, नया कुछ प्रोजेक्ट? अभी कुछ वैसा कुछ आइडिया नहीं है, देखते हैं कुछ ढंग का काम आएगा तो बताओ। चलिए शुक्रिया। चलो रोल बाइट कर ले। सर ये और एक अच्छी बात ये है कि और एक नया थिएटर खुला है हमारे टाउन में, 70% वहीं खुला है जहां आर्टिस्ट रहते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि एक्चुअली दो सवाल पूछ रहा हूं, हम चाहते हैं कि आप जैसा मझा हुआ कलाकार और आए इस थिएटर की दुनिया से, इसके लिए क्या टिप्स देंगे? कोई टिप नहीं है, बस सबसे खूबसूरत बात है कि एक नई स्पेस खुली है और जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल छोटे नाटकों के लिए या एमएचए थिएटर के लिए, इवनिंग थिएटर के लिए स्पेसेस की कमी है। एक पृथ्वी थिएटर है जिसके ऊपर बहुत बोझ है, जिसमें मतलब कितने नाटक हैं और पृथ्वी थिएटर कितने लोगों को एकोमोडेट कर पाता है, तो उसके लिए हमको कुछ और स्पेसेस की ज़रूरत थी। होपफुली ये स्पेस खुली है और इसका हमको सबको बहुत फ़ायदा होगा, परफॉर्मर्स को, थिएटर ग्रुप्स को। आज का जो यूथ है आते ही पहली पिक्चर से सुपरस्टार बनना चाहता है, लेकिन आप जैसे जो एक्टर हैं कुछ कहना चाहेंगे कि कितना थिएटर में मचना पड़ता है उसके बाद फिर आप जैसे एक्टर निकाल पाते? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जो पहली फिल्म से सुपरस्टार बनना चाहते हैं उसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए, उनके सपने हैं उनको पूरा करना चाहिए। मेरी अपनी यात्रा है, मैं अपनी यात्रा में हूँ और वो अपनी यात्रा में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी जर्नी चुनना चाहता है तो उसे हक है और वो सपने देखने का है, उन सपनों को पूरा करने का हक है। क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, रिहर्सल चल रही महाराज हमारे नए नाटक की, तो उसी में लगे हुए हैं। फिल्म में कुछ जो आने वाली है? फिल्में जो आ रही हैं तो आएंगे, अभी तो नाटक का माहौल है, नाटक के चलते नहीं। मैं सिनेमा को वैसे नहीं देखता हूँ, मैं सिनेमा को अच्छे सिनेमा, बहुत अच्छे सिनेमा, एवरेज सिनेमा की तरह देखता हूँ, तो ये दोनों फिल्में बहुत अच्छा करेंगी और बहुत बेहतरीन फिल्में होंगी क्योंकि आप गुड डायरेक्टर्स हैं। थैंक यू। कोई ऐसा अपना रिस्पॉन्स नहीं है।